रेजिडेंस ऑफ पर्सनालिटी 3 पे का क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहा है कि कॉस 3 थीटा माइनस का कॉस 7 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कॉस 3 थीटा माइनस में कॉस 7 थीटा दिया है। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन 3 थीटा प्लस का 7 थीटा बाई 2 साइन 7 थीटा माइनस का 3 थीटा बाई 2 2 साइन 10 थीटा बाई 2 साइन 4 थीटा बाई 2 यानी आ जाएगा 2 साइन 5 थीटा साइन 2 थीटा। ये हमारा वैल्यू इसका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 नंबर में साइन 75 प्लस में साइन 15 इक्वल टू में √6 बाई 2 हो। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका LHS ले लेते हैं। यहाँ पे है साइन 75 डिग्री और प्लस में साइन 15 डिग्री। एक काम करते हैं, देखिए इसमें क्या चीज करते हैं, हम लोग जिन कोणों को जानते हैं उसके अनुसार जानते हैं। इसको आप 45 प्लस का 30 डिग्री कर दो और इसे साइन यहाँ पर 45 माइनस का 30 डिग्री कर दो, ठीक है, इस तरीके से। यानी ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी, इस फॉर्म में हो गया। तो ये 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए, ए का मतलब यहाँ पे 45 डिग्री से है और कॉस बी का मतलब यहाँ 30 डिग्री से है। यानी कि 2 साइन 45 1 बाई रूट 2 और यहाँ पर कॉस 30 का जो है कॉस 30 का हम लोग जानते हैं √3 बाई में 2। यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट गया, अब √3 बाई में √2 बचा, तो मल्टीप्लाई करते हैं √2 से न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों में, ऊपर √6 है नीचे 2। हमारा RHS आ गया कि नहीं। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, और में देखिए साइन 75 डिग्री और प्लस का साइन 15 डिग्री दिया है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 साइन 75 डिग्री प्लस का 15 डिग्री बाई 2 कॉस 75 डिग्री माइनस का 15 डिग्री बाई 2। चलिए आगे देखते हैं इससे क्या होता है। यह हो जाएगा 2 साइन कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 90 में 2 से डिवाइड करेंगे 45 कॉस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 में 2 से डिवाइड करेंगे 30। सेम वही चीज आ गया कि नहीं, 2 इंटू में 1 बाई रूट 2 और यहाँ पे √3 बाई 2, 2 से 2 गया, √3 बाई रूट 2 आया है तो √2 से न्यूमरेटर और डिनोमेटर मल्टीप्लाई करते हैं हर का परिमेयकरण करने के लिए, तो √6 बाई 2। हमारा RHS आ गया कि नहीं। तो दोनों मेथड है जिससे आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 देखिए, सिद्ध करना है यहाँ पे। इसका LHS लेते हैं, क्या दिया जी, साइन 75 डिग्री माइनस का साइन 15 डिग्री बाई में कॉस 75 डिग्री प्लस का कॉस 15 डिग्री। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी इसके इक्वल होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन में सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस का कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। चलिए इन्हीं प्रॉपर्टीज को लगाते ऊपर नीचे, 2 कॉस 75 डिग्री प्लस का 15 डिग्री बाई 2 साइन में 75 डिग्री माइनस का 15 डिग्री बाई 2, 2 कॉस 75 डिग्री प्लस का 15 डिग्री बाई 2 कॉस 75 डिग्री माइनस का 15 डिग्री बाई 2। ये टर्म कट जाएंगे, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, घटेगा तो यहाँ पे 60 टू से डिवाइड होगा 30, तो साइन 30 और नीचे आपका कॉस 30 हो जाएगा, ये टेन 30 और टेन 30 का वैल्यू जानते हैं 1/√3 यानी RHS आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 के ए नंबर से, यहाँ पे सिद्ध करना है। इसका LHS ले लेते हैं। LHS में दिया है आपके पास साइन 2x 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x। तो एक काम करते हैं यहाँ पे साइन 6x को और प्लस साइन 2x को एक साथ ले लेते हैं और प्लस में 2 साइन 4x को अलग से रखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी प्लस का साइन बी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस में सी माइनस डी बाई 2। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन 6x प्लस का 2x बाई 2 और कॉस 6x माइनस का 2x और बाई में 2 प्लस में 2 साइन 4x।
आ जाएगा आपका 2 sin 8x और बाई में 2 यानी कि 4x, और cos 4x बाई 2 यानी कि 2x, और प्लस में 2 sin 4x हो जाएगा। यहाँ से 2 sin 4x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा cos 2x प्लस का 1, तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 sin 4x, यहाँ पर देखिए 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos² x, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 cos² x इंटू में साइन 4x, ये आपका RHS आ गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं इसका बी नंबर। बी नंबर में क्या है, हम लोग LHS RHS दोनों लेके बनाना पड़ेगा। चलिए पहले LHS लेते हैं, cot 4x इंटू में साइन 5x प्लस का साइन 3x, यहाँ पे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, क्या होता है 2 sin सी प्लस डी बाई 2 कॉस में सी माइनस डी बाई 2 कॉट 4x है, तो इसे कॉस 4x बाई में साइन 4x लिख देते हैं, हो जाएगा 2 sin 5x प्लस का 3x बाई 2 कॉस 5x माइनस का 3x बाई 2 कॉस 4x बाई में साइन 4x इंटू 2 साइन 4x आ जाएगा और कॉस एक्स आ जाएगा, यानी आ जाएगा 2 cos x कॉस 4x, यही अब RHS लेते हैं, यही सेम लाएंगे। यहाँ पे दिया है cot x इंटू में साइन 5x माइनस का साइन 3x, यहाँ हम लोग साइन c माइनस साइन d का प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन में c माइनस डी बाई 2। चलिए आगे देखते हैं, cos x बाई में साइन x, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 cos 5x प्लस का 3x बाई में 2 साइन 5x माइनस का 3x बाई 2। चलिए आगे देखते हैं, cos x बाई में साइन x, यह हो जाएगा 2 cos 4x साइन x, साइन x से साइन x कट जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा 2 cos x cos 4x। देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया कि नहीं, LHS और RHS इक्वल आ गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में, इसे सिद्ध करना है, इसका LHS लेते हैं, है साइन 5x प्लस का साइन 3x और नीचे है आपके पास cos 5x प्लस का cos 3x, ऊपर लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का, होता है यहाँ पे 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, नीचे देखिए cos c प्लस cos d के लिए यूज करेंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 कॉस में c माइनस डी बाई 2, ये देखते हैं 2 sin 5x प्लस का 3x बाई 2 कॉस 5x माइनस का 3x बाई में 2, 2 cos 5x प्लस का 3x बाई में 2 और कॉस 5x माइनस का 3x और बाई में 2, ये टर्म कट जाएगा 2 से 2, ऊपर रहेगा 8 बाई 2 यानी कि साइन 4x और नीचे भी कॉस 4x, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर टेन 4x, यानी ये आपका RHS आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, इसका LHS लेते हैं, LHS में देखिए क्या है, साइन a प्लस का 2 sin 3x साइन 5a और बाई में है आपके पास साइन 3a प्लस का 2 sin 5a प्लस का साइन 7a इक्वल टू, में ये प्रूव कर रहा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइन 5a को और प्लस साइन a को एक साथ कर लेते हैं और प्लस में 2 sin 3a को अलग रखते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे साइन 7a प्लस का साइन 3a को ऐसे रखते हैं और प्लस में 2 sin 5a को ऐसे रखते हैं, हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे साइन सी प्लस का साइन डी का, 2 sin सी प्लस डी बाई 2 कॉस में सी माइनस डी बाई 2, यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर ऊपर और नीचे, 2 sin 5a प्लस का a बाई में 2 कॉस 5a माइनस का a बाई में 2 प्लस में 2 sin 3a, 2 sin 7a प्लस का 3a बाई में 2
और यहाँ पर कॉस 7a माइनस का 3a बाई में 2 प्लस में 2 sin 5 है। ठीक है, चलिए देखिए 2 sin, यहाँ पे 5a और a, 6a बाई 2 यानी कि sin 3 है, और यहाँ कॉस 4a बाई 2 यानी कि 2 है प्लस का 2 sin 3 है, 2 sin 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 4a बाई 2 यानी कि 2 है और प्लस में 2 sin 5 है। चलिए अब इसके बाद देखिए, ऊपर से 2 sin 3a कॉमन हो जाएगा तो बचेगा cos 2a प्लस का 1। ठीक है, और जैसे 2 sin 5a निकल जाएगा, यहाँ भी बचेगा cos 2a प्लस का 1, ये तो दोनों टर्म कट जाएंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, हमारा RHS में लाना था जो आ गया sin 3a भाई में sin 5, यही ना मैं RHS में लाना था, हमने ला दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर का LHS लेते हैं, दिया हुआ है, इसको मैं सीधा करके देखता हूँ, sin 3x प्लस का sin x बटा में cos 3x प्लस का cos x, और हम प्रॉपर्टी लगाते हैं sin C प्लस sin D क्या होता है 2 sin C प्लस डी बाई 2 cos C माइनस डी बाई 2। अच्छा, cos C प्लस cos D क्या 2 cos C प्लस डी बाई 2 cos C माइनस डी बाई 2, 2 sin 3x प्लस का x बाई में 2 cos 3x माइनस का x बाई में 2, 2 cos 3x प्लस का x बाई में 2 cos 3x माइनस का x बाई में 2, ये दोनों टर्म कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin 3x में x, 4x बाई में 2 यानी कि sin 2x हो जाएगा, और नीचे cos 2x हो जाएगा यानी कि tan 2x आ जाएगा, हमारा RHS आ गया, समझ गया। चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर में, इसका LHS लेते हैं, क्या है sin a प्लस का sin 3a प्लस का sin 5a बाई में cos a cos का 3a cos का 5a। एक काम करते हैं, इसमें से sin 5a को और sin a को एक साथ लेते हैं, sin 3a को अलग रखते हैं, फिर उसी तरह से यहाँ पे cos 5a cos a को एक साथ लेते हैं और cos 3a को अलग रखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ लगाने वाले हैं, sin C प्लस sin D का 2 sin C प्लस डी बाई 2 cos C माइनस डी बाई 2, और नीचे cos C प्लस cos D का 2 cos C प्लस डी बाई 2 cos C माइनस डी बाई 2। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर sin C प्लस sin D का 2 sin 5a प्लस का a बाई 2 cos 5a माइनस का a बाई 2 प्लस में sin 3a, नीचे हो जाएगा 2 cos 5a प्लस का a बाई 2 cos 5a माइनस a बाई 2। ठीक है, और प्लस में cos 3a। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, ऊपर देखिए 2 sin, यहाँ पर आ जाएगा 6a बाई में 2 यानी कि 3 है, cos 2a प्लस का sin 3 है, नीचे देखिए 2 cos 3a cos 2a प्लस का यहाँ पर cos 3 है, ऊपर से कॉमन है आपका sin 3 है, बच जाएगा 2 cos 2a प्लस का 1, और यहाँ cos 3 है आ जाएगा 2 cos 2a प्लस का 1, ये दोनों टर्म कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan आ जाएगा tan 3a, ये आपका RHS यहाँ पर आ गया, समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, 9 नंबर का LHS लेते हैं, cos 4a cos 3a प्लस cos 2x, और बाई में देखिए नीचे क्या है sin 4x sin 3x sin 2x। फिर अब इसमें थोड़ा सेपरेट करते हैं cos 4x को और प्लस में cos 2x को,
प्लस कॉस 3x को अलग रखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 4x प्लस साइन 3x 2x और प्लस में साइन 3x, अलग कर दिया 3x को दोनों जगह। ऊपर लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए प्रॉपर्टी, तो होता है इसके लिए 2 cos C + D/2 cos C - D/2, और साइन सी प्लस साइन डी के लिए होता है 2 sin C + D/2 cos C - D/2। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे लगाता हूँ एक प्रॉपर्टी, ऊपर हो जाएगा 2 cos 4x + 2x/2 cos 4x - 2x/2 प्लस में cos 3x, 2 sin 4x + 2x/2 cos 4x - 2x/2 प्लस में sin 3x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ऊपर हो जाएगा 2 cos 3x cos, यहाँ पर आ जाएगा 2x/2 कट के x आ जाएगा, और प्लस का cos 3x। नीचे देखिए 2 sin 3x cos x प्लस का sin 3x, ऊपर कॉमन है आपके पास cos 3x, यानी कि 2 cos x + 1 आ जाएगा, और नीचे कॉमन है sin 3x, तो आ जाएगा 2 cos x + 1। ये दोनों टर्म कट जाएगा, cos बाई sin क्या हो जाएगा, cot cot 3x, यानी कि RHS हमारा आ गया, समझ गया। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, इसे सिद्ध करना है कि ये 10 4 1 1 होगा, इसका LHS ले लेते हैं। साइन ए प्लस का साइन 3a प्लस का साइन 5a प्लस का साइन 7a बाई में, नीचे देखिए कॉस ए कॉस 3a कॉस 5a कॉस 7a, इसमें सेपरेट करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से साइन 5a के साथ साइन a को लेते हैं, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं ना। चलिए और यहाँ पर प्लस में साइन 7a के साथ साइन 3a को लेते हैं, फिर नीचे भी उसी तरह से कॉस 5a के साथ कॉस a को, और प्लस में कॉस 7a के साथ कॉस 3a को। यहाँ पर साइन c प्लस साइन d वाला प्रॉपर्टी, 2 sin C + D/2 cos C - D/2 cos C + cos D क्या होगा, 2 cos C + D/2 cos में C - D/2। चलिए देखते हैं अब क्या होगा, ऊपर देखिए 2 sin 5A प्लस का A/2 cos 5A - A/2 प्लस में, यहाँ पे होगा 2 sin 7A + 3A/2 और cos 7A - 3A/2। यहाँ पे देखिए क्या होता है, 2 cos 5A + A/2 cos 5A - A/2 प्लस 2 cos 5A + A/2 सॉरी cos 7A, 7A + 3A/2 और cos 7A - 3A/2। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 sin 3x cos 2x cos 2A होगा, सॉरी x नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 5A जोड़ के 2 से भाग, बेटा 2 से भाग, यानी कि cos 2A। नीचे 2 cos 3A cos, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2A प्लस का 2 cos 5A cos 2A। चलिए ऊपर और नीचे कॉमन करते हैं, ऊपर कॉमन होगा 2 cos 2A, तो sin 5A + sin 3A या sin 3A + sin 5A कर देते हैं। यहाँ से देखिए 2 cos 2A कॉमन, यहाँ पे cos 3A + cos 5A, ये इससे कट जाना है। ऊपर देखिए
साइन 5a को पहले भी लेते हैं और प्लस में साइन 3a। नीचे देखिए, कॉस 5a को पहले और प्लस में कॉस 3a को। इसका प्रॉपर्टी हम लोग ऊपर यूज किए थे ना, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर देते हैं। ऊपर हो जाएगा आपका 2 sin 5a प्लस का 3a/2 cos 5a माइनस का 3a/2, 2 cos 5a प्लस का 3a/2 cos 5a माइनस का 3a/2। ठीक है ना जी। चलिए, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। यहाँ देखिए ना, ये दोनों भी टर्म कट जाएंगे। यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, साइन 5 3 8 में 2 से बड़ी होगा 4a, यहाँ cos 4a, यानी कि tan 4a आ जाएगा। हमें RHS में tan 4a ही तो लाना था ना जी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 में। सिद्ध करना कि इसका वैल्यू cot square x इक्वल होगा। LHS ले लो, cos पाई प्लस का x cos ऑफ माइनस x साइन पाई माइनस का x cos पाई बाई 2 प्लस का x cot स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। कॉस पाई प्लस एक्स, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये पाई बाई 2 यानी चेंज कॉस का साइन में, और प्लस एक्स होते ही चल जाएगा इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में आएगा तो कॉस है तो निगेटिव रहेगा। तो ऊपर देखिए, माइनस माइनस हटा दीजिए, ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे देखिए साइन स्क्वायर एक्स, यानी आ जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स। यही ना हमें लाना था, हमने ला दिया। समझ गए, RHS आपका आ गया। ये काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रवि का आंसर, रवि का आंसर। और तीसरा है RD शर्मा सॉल्यूशन, रवि का आंसर RD शर्मा सॉल्यूशन, रवि का आंसर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्रा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।